हरियाणा में नए सियासी समीकरण की आहट हो रही है। हिसार में एक कार्यक्रम के दौरान ओम प्रकाश चौटाला ने बहुत बड़ी बात कह दी, ऐसी बात जिसे सुनकर प्रदेश की सियासत में एक नए अध्याय की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बीते कुछ समय से प्रदेश में इनेलो परिवर्तन पद यात्रा कर रही है और सत्ता परिवर्तन की बात कह रही है। पार्टी के नेता रह रहकर गठबंधन से भी इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से गठबंधन क्या ये संभव है? इसे लेकर पार्टी सुप्रीमो ने सब कुछ साफ कर दिया है। कांग्रेस से गठबंधन के सवाल पर ओम प्रकाश चौटाला ने साफ कह दिया कि उन्हें किसी से कोई द्वेष नहीं। इनेलो कांग्रेस के साथ भी जा सकती है, कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही थी। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हम इस कुशासन के खिलाफ हैं और इस मामले में जो कोई भी है विपक्ष में कोई राजनीतिक दल में आना चाहे तो उसके लिए स्वागत करेंगे। गठबंधन के साथ ही इनेलो अपनों की वापसी को भी तैयार है। पार्टी से अलग हुई जेजेपी के साथ गठबंधन होगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पार्टी में अपनों की वापसी को लेकर पार्टी सुप्रीमो ने रुख साफ किया है। जो आपसे अलग हुए उनको भी वापसी का मौका देंगे? हमारे यहाँ एक कहावत है, सारी रात रोई एक मरियार वो भी पड़ोसी का। अब मैंने इस बात को कई दफा तो कह दिया, फिर फोड़ के वही पूछ रहे हो। प्रदेश में कांग्रेस और इनेलो दोनों ही अपनी खोई जमीन मजबूत करने में जुटी हैं। अब इसीलिए जनता से संवाद हो या फिर यात्रा, हर तरह से जनता को लुभाने की कवायद जारी है। ऐसे में गठबंधन का ऊंट कब किस करवट बैठेगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में सियासत के कुछ ऐसे समीकरण बनकर सामने आएंगे जो जनता को भी सोचने पर मजबूर जरूर कर सकते हैं। हिसार से सूर्य समाचार के लिए संदीप सैनी की रिपोर्ट।